बेटी अरुका अमरिया पर राजती हूँ पुर को तजिदारो। बच्चों आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग रस खान की पंक्तियाँ पढ़ रहे थे दीदी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमको समझा दीजिए। बच्चों कवि रस खान ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। आप लोगों ने कवि सूरदास को पढ़ा है? जिस प्रकार सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार रस खान भी कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए इनके सवैयों की, भावों की अनुभूति करें। मैं सस्वर वाचन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों, आठहूँ सिद्ध नवहूँ निध को सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ज्ञानेंद्र जी, आप इसका पुनः वाचन करिए। जी। या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारो, आठहूं सिद्ध नवहूं निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। भक्त कवि रस खान कृष्ण की लीलाओं पर सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। तिहों पुर को तज डारो, डारना शब्द का क्या अर्थ है? तज डारना शब्द का क्या अर्थ है अंशु? छोड़ देना, छोड़ ना? तज डारना शब्द का क्या अर्थ है? छोड़ देना, है ना? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तुहूं पुर को तज डारो। रस खान कवि कहते हैं कि मैं तिहूं पुर माने त्रैलोक। तो तीन लोग कौन कौन से होते हैं दीदी? तीन लोग होते हैं, एक स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। कवि कहता है कि या लकुटी अर कामरिया पर, श्री कृष्ण जी की लकुटी अर्थात लाठी पर और उनके कंबल पर मैं तीनों लोकों के सुख को, त्रैलोक के सुख को, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक तीनों के सुख को न्यौछावर करता हूँ। आठहूँ सिद्ध नवहूँ निध को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। आठहूँ सिद्ध माने आठ सिद्धियाँ। बता सकते हैं आठ सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? जी नहीं दीदी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आठ सिद्धियाँ होती हैं अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। सिद्ध जिनसे हम सब कुछ पा सकते हैं। इसी प्रकार नौ निधियां होती है। नौ निधियां जानते हैं आप? जी नहीं दीदी। बच्चों नौ निधियां होती हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। मैं इन आठ सिद्धियों और नौ निधियों की प्राप्ति करने का जो सुख है इस गाय चराने के सम्मुख उन्हें न्यौछावर कर सकता हूँ। आगे देखिए, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कल धौत शब्द का क्या अर्थ है अंशु बताइए? शब्द का अर्थ है सोना। ठीक, कल धौत शब्द का अर्थ है सोना। और धाम शब्द का क्या अर्थ है ज्ञानित? जी दीदी। धाम शब्द का क्या अर्थ है? भवन। हाँ, धाम शब्द का अर्थ है भवन। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। वृंदावन में करील झाड़ी है, उसके बहुत से कुंज है। जब झाड़ियां आपस में एक साथ मिल जाती हैं, तो वो कुंज के समान बन जाती हैं। कवि रसखान भक्ति रस में डूब कर कहते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कि अगर रसखान कवि को कभी इन आखिन से वृंदावन के वनों को,
बागों को और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो करील के कुंजों के ऊपर उन्हें करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों कोटि कहो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए कवि जो है नंद की गाय चराने के लिए किन सुखों को न्योछावर करना चाहता है। शुभी जी दीदी, दीदी रस खान जी कहते हैं कि कवि इसलिए अपने नंद की गाय चराने के लिए न्योछावर, क्योंकि वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भी न्योछावर कर सकता है अगर उसको नंद की गाय चराने का उसको अगर मौका मिल जाए तो। देखिए थोड़ा और ध्यान से देखिए कि उसके लिए नंद की गायों को चराने का सुख बहुत बड़ा है। कवि कहता है कि अगर उसे वृंदावन में नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो उसके सामने ये 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख जो है फीका है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपन वारू। इसी प्रकार अगर उसे वृंदावन में करील के कुंज को देखने का अवसर मिले तो वो क्या न्योछावर करना चाहता है। अंशुल आप बताएं। कवि रसखान करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। हाँ, इस पद में जो है कवि ने अपनी श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अनुभूत को वर्णन किया है। वो कहता है कि कृष्ण की जिन स्थानों में कृष्ण ने लीला की है उसके सम्मुख संसार का सारा वैभव व्यर्थ है। ज्ञानेंद्र आप बताएं कि कवि ने इस पद में किनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की वृंदावन में गाय चराने के समय की लीलाओं का वर्णन किया है। कवि ने इस पद में कृष्ण की वृंदावन में गाय चराओं की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ब्रज के करील के कुंज, ब्रज के बाग और तालाब भक्त रस खान के लिए सबसे बढ़कर हैं। उनके सामने सोने के महल भी बेकार हैं। देखिए आगे के पद में कवि क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावै जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावै नारद से सुक व्यास रटै पचिहारे तौ पुन पार न पावै ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावै। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण को क्या खाना बहुत प्रिय था। मक्खन और मट्ठा। श्री कृष्ण जी को मक्खन मट्ठा खाना बहुत प्रिय था और वो जिस भी गोपी को देखते थे उससे मक्खन और मट्ठे की याचना करने लगते थे। कवि ने श्री कृष्ण की इसी बाल लीला का इस पद में वर्णन किया है। नीचे की पंक्ति को देखिए, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छोहरिया शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? छोहरिया शब्द का अर्थ है बेटी, गोपियां। अहीर की छोहरिया माने गोपियां, वृंदावन की गोपियां। छछिया शब्द का क्या अर्थ है? माठा। छछिया शब्द का जो मट्ठे नापने का बर्तन होता है उसे छछिया कहते हैं। छाछ शब्द का अर्थ है माठा, है ना। ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नाच नचाने का अर्थ क्या है? परेशान करना, परेशान करना, है ना। तो बच्चों कवि इसमें कहता है शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। देखिए शेष का क्या हम बोलते हैं? शेष, है ना। गणेश किसको कहते हैं? गणेश को, है ना। महेश किसको कहते हैं? महेश को। दिनेश किसको कहते हैं? दिनेश। और सुरेश किसको कहते हैं? सुरेश। सुरेश शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? इंद्र देवता, इंद्र देवता। और महेश शब्द का क्या अर्थ है? भगवान शिव, भगवान शिव।
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। इस भगवान की लीलाओं का वर्णन निरंतर कौन कौन से देवता किया करते हैं? शेषनाग जी, गणेश जी, भगवान शिव जी, सूर्य देवता और इंद्र भगवान करते हैं। जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता में। कौन बताते हैं? सुवेद का अर्थ वेद है ना। वेद भगवान को क्या बताते हैं? सुवेद का अर्थ, सुवेद शब्द का अर्थ है वेद। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में जिन भगवान को अनादि अनंत अखंड अच्छेद्य और अभेद बताया गया है, अर्थात जो ईश्वर अनादि है, जो ईश्वर अनंत है, जिसका हम पार नहीं पा सकते हैं, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ऐसे ईश्वर को। इसके साथ ही साथ कवि आगे कहता है, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे। पचिहारे माने थक कर हार गए हैं। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तउ पुन पार न पावे। कौन कौन से ऋषि जो हैं, वह ईश्वर के बारे में जान जान कर हार गए हैं, लेकिन उसका पार नहीं पा सकते हैं? आप बताएं अंशुल जी। दीदी, देवर्षि नारद, सुखदेव और व्यास ऋषि ने मतलब भगवान की बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए। माने ईश्वर कैसा है, जिसे वेद ने अनादि और अनंत बताया है। ईश्वर कैसा है, जिसकी महिमा का गायन शेषनाग ने, गणेश देवता ने, भगवान शिव ने, सूर्य और इंद्र देवता ने किया है। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, और जिनकी महिमा का गायन करते हुए देवर्षि नारद, शुकदेव और व्यास हार गए हैं, तब भी उनका पार नहीं पा सके हैं। ताहि अहीर किछो हरिया, उसी भगवान कृष्ण को एक बर्तन मट्ठे के लिए जो है वह गोपियां जो है वो परेशान करती हैं। कवि ने इसमें श्री कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया है? उमाकांत रस खान ने अपने काव्य की, काव्य भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनको मक्खन खाने का, उनके मट्ठे के लिए जो है गोपियों से विनय करने का वर्णन किया है। बच्चों, इसमें पहली पंक्ति देखिए, शेष गणेश महेश दिनेश, इसमें सा शब्द की, सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब किसी भी कविता में एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जरा देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को एक बार फिर से देखिए। कविता में जब किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ देखिए हर शब्द के प्रारंभ में चा वर्ण आया है, तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक बच्चों, आपने रस खान के इन सवैयों में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन पढ़ा है। आप किसी ऐसे कवि का नाम बता सकते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है? ज्ञानेंद्र आप बताएं। दीदी, कवि सूरदास और मीराबाई। हाँ, सूरदास और मीराबाई दोनों ने अपने काव्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। क्या कोई पद आप सुना सकते हैं? जी दीदी। हाँ अंशुल सुनाइए। कहन लागे मोहन मैया मैया नंद महरसो बाबा बाबा अरु हलदरसो भैया। हाँ बच्चों बहुत ठीक, इसी प्रकार आप लोग भी सूर के और मीराबाई की एक एक पद को याद करके तथा लिख करके कर।